मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। उनके मंत्रिमंडल में 28 नए मंत्री शामिल हुए, इसमें से 12 ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके पहले नए मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल के गठन में कई योग्य, अनुभवी, निष्ठावान बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों का नाम नहीं होने पर दुख हुआ। साथ ही एक अन्य ट्वीट में कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है, और ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है। प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। वहीं राज्य में भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके कहा, अन्याय के खिलाफ छेड़ा गया संघर्ष ही धर्म है। मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए मंत्रियों को बधाई। मुझे विश्वास है कि प्रदेश की तरक्की और विकास के लिए आप सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। न्यूज़ डेस्क।